गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधि चरणम हमने पढ़ा था अब तक। इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है वे कहते हैं कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि स्वयं जो है वे एक राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। राष्ट्रवादी का अर्थ होता है सदैव राष्ट्र के हित में सोचने वाले, प्रगति के विषय में सोचने वाले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि ने जो है हमें यहाँ पर प्रेरणा दी है कि सदैव हमें चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सदैव आगे कदम रखो, सदैव आगे ही जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो। हमारा घर निश्चित तौर पर गिरी शिखरों पर है, अर्थात की हमारी मंजिल जो है वो बहुत ही दूर है, कि हमें बिना जहाजों के ही पर्वतों पर चढ़ना है, अर्थात कि हमें बिना किसी साधन के हमें सफलता को प्राप्त करना है, क्योंकि मनुष्य केवल कठिन परिश्रम से ही सफलता को अर्जित करता है। फिर आगे कवि कहता है कि हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आपने दूसरे पैरा में पढ़ा था कि रात की हे मनुष्य, फिर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, रास्ते में तुम्हारे टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर होंगे, अर्थात की मुसीबतें होंगी, तुम्हें उनको पार करना है। तुम अपने आप को चारों ओर से हिंसक पशुओं से घिरावा प्राप्त करोगे, अर्थात कि ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें हमेशा जो है पथ भ्रष्ट करते रहेंगे। अपनी यात्रा बहुत कर माना कि आपकी यात्रा बहुत कठिन है, किंतु फिर भी तुम्हें सदैव आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। फिर आपने पढ़ा था कि हे मनुष्य, तुम डरो नहीं, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात कि अपनी शक्ति का आह्वान करो, स्मरण करो, अपने देश प्रेम सदैव अपने मन में देश से प्रेम करो, तथा हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। इस तरह से आपने पढ़ा था। फर्स्ट पैरा का आपने जो है वो सप्रसंग व्याख्या कर ली थी। आज हम दूसरे पैरा की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए, आप नोट कीजिए। पद्यार्थ बुक में से लिख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आ जाएगा संदर्भ। प्रस्तुत गीतांश कक्षा अष्टम की हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिराम के चतुर्थ के श्री धर भास्कर वर्णिकर द्वारा रचित चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम
से उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ प्रस्तुत गीता कक्षा अष्टम की हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के श्रीधर भास्कर मणिकर द्वारा रचित चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि चरणम से उद्धृत है। अब हम लिखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग में देखिए प्रस्तुत गीतांश में कवि कवि ने सफलता के मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि रास्ते में सफलता के रास्ते में तेरे मेरे नुकीले पत्थर रूपी मुसीबतें आएंगी आपके चारों ओर भयानक हिंसक जानवर अर्थात की मुसीबतें उत्पन्न करने वाले लोग होंगे। आपकी यात्रा अत्यंत कठिन
होगी। फिर भी सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए दूसरे पद्यांश में हमने जो है सर प्रसंग व्याख्या की है संदर्भ सहित। जैसे संदर्भ लिखा आपने सबसे पहले, प्रस्तुत गीतांश कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के श्रीधर भास्कर वनेकर द्वारा रचित चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेय चरणम से उद्धृत है। तो संदर्भ में हमेशा जो है वो गीतांश का परिचय आता है कि वो कहाँ से लिया गया, उसके रचयिता कौन है। फिर आपके प्रसंग आता है, प्रसंग में प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सफलता के मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस प्रसंग में आपको बताना चाहिए कि इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। फिर व्याख्या में आया कि कवि कहता है कि सफलता के रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर रूपी मुसीबतें आएंगी, आपके चारों ओर भयानक हिंसक जानवर अर्थात की मुसीबतें उत्पन्न करने वाले लोग होंगे, आपकी यात्रा अत्यंत कठिन होगी, फिर भी सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा पद्यांश है उसकी संदर्भ सहित सह प्रसंग व्याख्या हुई है। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे जो है वो थर्ड पैरा पद्यांश की जो है वो व्याख्या करते हैं।
पद्यांश लिखना है आपको, संदर्भ वही रहेगा जो हम पूर्व में लिख चुके हैं, तो आपको संदर्भ वही लिखना है यहाँ पर। फिर आपका जो है प्रसंग, प्रसंग भी आपका वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा जो मैं आपको देखिए करवा रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने भाई को त्याग कर अपनी शक्ति या हमारे यहां पर आत्मबल लिख देते हैं, त्याग कर अपने आत्मबल का स्मरण करने करने तथा सदैव देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने भय को त्याग कर अपने आत्मबल का स्मरण करने तथा सदैव देश प्रेम की प्रेरणा दी है। तो देखिए प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने भय को त्याग कर अपने आत्मबल का स्मरण करने तथा सदैव देश प्रेम की प्रेरणा दी है। अब हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। यहां पर व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि तुम भय को त्याग दो तथा अपनी शक्ति का आह्वान करो। सदैव अपने मन में देश के प्रति प्रेम करो। हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए
सदैव करते हुए जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो। तो इस तरह से हमारी व्याख्या हो गई यहां पर, प्रसंग फिर संदर्भ, संदर्भ वही रहेगा जो हम पहले कर चुके हैं पद्यांश के बाद।